नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। फिर से ला चुका हूँ 12 लाख का बजट में ब्यूटीफुल सा फ्लैट। दोस्तों इस वाले फ्लैट को आप देख लीजिए, जो फ्लैट मैं आपको दिखाऊंगा 110% ये वाला फ्लैट आपको पसंद आएगा। जिस प्राइस में आपको मिल रहा है बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है। ये है आपका बिल्डिंग जो कि आपका G+4 का बिल्डिंग है, रेरा रजिस्टर प्रॉपर्टी है। बिल्डिंग का OC आ चुका है और काफ़ी सारे फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आ चुके हैं। एक एक करके मैं आपको डिटेल दूंगा, कौन सा सिटी है, कितना डाउन पेमेंट, कितना EMI, वो सारी चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देख लीजिए, बैक साइड में आपका गेट रहेगा। फोर व्हीलर के लिए आपको यहाँ पर पार्किंग मिल जाता है, टू व्हीलर के लिए आपको यहाँ पर पार्किंग मिल जाता है। बाकी बिल्डिंग आपने देख लिया है, ये है आपका G+4 का रेरा रजिस्टर प्रॉपर्टी। पानी आपको मिल जाएगा यहाँ पर 24 आवर्स। पानी का कनेक्शन यहाँ पर आ चुका है, ये है हमारा वाटर टैंक जहाँ पर आपको मिलता है 24 आवर्स पानी। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरफ का भी देख लेते हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर दोनों ही आप पार्किंग कर सकते हो। पार्किंग के लिए यहाँ पर कोई भी मसला आपको नहीं होगा। एक बार मैं आपको बिल्डिंग को बैक साइड से भी दिखा देता हूँ, इसके बाद में हम जाएंगे लिफ्ट की तरफ। G+4 का बिल्डिंग है तो लिफ्ट तो देना बनता है। अगर आप बैक साइड से देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। चारों तरफ यहाँ पर आपको लगा कर दिए गए हैं आपका CCTV कैमरा। अगर इस तरफ देखोगे तो ऊपर आपको मिल जाता है यहाँ पर आपका CCTV कैमरा, जहाँ पर बैक साइड का एरिया कवर करते हैं। फ्रंट साइड में गेट का साइड में भी आपको CCTV कैमरा, चारों तरफ आपको यहाँ पर कंपाउंड वॉल आपको दिए गए हैं। कंपाउंड वॉल के कॉर्नर पे आपको यहाँ पर पेड़ लगा कर दिए गए ताकि देखने के लिए जब ये बड़ा होगा तभी उस टाइम पे काफ़ी छाव रहेगा। पार्किंग के लिए सुविधा अवेलेबल है, रेडी टू मूव में आपको मिल जा रहा है। नीचे आपका रहेगा आपका सोसाइटी ऑफिस, प्लस आपको मिल जाता है यहाँ पर स्टेयरकेस और लिफ्ट। एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वाली वीडियो को शेयर जरूर कर देना जिसका बजट थोड़ा सा कम है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका सोसाइटी ऑफिस, आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आपको मिल जाता है। ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको स्टेयरकेस का ठीक जैसे कोई भी बंदा आगे से आता है लाइक गेट से आता है तो यहाँ पर आपको CCTV कैमरा आपको लगा कर दे दिया गया है। और ये है आपका डोर, पैसेज में आने से पहले आपको ये एक डोर आपको मिल जाएगा जहाँ पर आपको देखने के लिए क्या मिलेगा। सामने की तरफ तो आपका रहेगा ये वाला आपका स्टेयरकेस रहेगा, और इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये आपका मीटर रूम। यहाँ पर आपको मीटर रूम जो भी आपका जो इसका मोटर है उसका पॉइंट वगैरह सब आपको ये नीचे मिलता है, प्लस आपको इस तरफ आपको मिल जाता है आपका लिफ्ट। दोस्तों अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि प्रॉपर्टी लेना आज के तारीख में सही है क्या नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज के तारीख में अगर आपने प्रॉपर्टी बाई किया ना, डे बाई डे यहाँ पर प्रॉपर्टी का डिमांड जो है वो बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर 150-200 बिल्डर काम कर रहे हैं G+4, चाहे वो टाउनशिप हो, सिंगल बिल्डिंग हो। आज के तारीख में अगर आप देखोगे तो मुंबई की तरफ से अगर कोई फर्स्ट होम सेकेंड होम के लिए देखते हैं ना, तो फिर इस साइड में ही देखते हैं, लाइक आपका कल्याण हो गया, बदलापुर हो गया, या फिर आपका नेरल साइड हो गया, माथेरन साइड हो गया, यही साइड में आज के तारीख में ज़्यादा करके प्रॉपर्टी लोग सर्च कर रहे हैं। तो आपको भी अगर एफोर्डेबल प्राइस में घर लेना है, चाहे वो 1 BHK हो, 2 BHK हो, चाहे वो 3 BHK हो, अगर आपको बजट में है तो अब यहाँ पर आप एक लीगली प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। सारे प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी रहता है, नेशनलाइज बैंक लोन अवेलेबल रहता है। तो चलिए अभी चलते ऊपर और देख लेते हैं फ्लैट को, इसके बाद में हम बात करेंगे कितने प्राइस पर आपको मिलेगा ये वाला आपका फ्लैट। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ फ्लैट का अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको फ्लैट को दिखा देता हूँ, इसके बाद में हम बात करेंगे कितने प्राइस पे मिलेगा ये वाला आपका फ्लैट। सबसे पहले फ्लैट पे एंट्री करने के पहले जो आपका पैसेस रहेगा वो है कुछ इस तरीके का, जो कि आपको लंबा सा आपको मिल जाता है आपका पैसेस। इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका लिफ्ट। G+4 का बिल्डिंग है तो लिफ्ट तो देना बनता है, जैसे कि मैंने आपको नीचे दिखाया था। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये है आपका स्टेयरकेस। हर फ्लोर पर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको चार चार करके फ्लैट मिल जाता है। सामने की तरफ आपका 1 BHK है, कॉर्नर वाला जो है वो भी आपका 1 BHK का रहेगा, और जो इस तरफ है ये है आपका 425 स्क्वायर फीट का फ्लैट। तो सबसे पहले आपको मिल जाता है यहाँ पर आपका लिविंग। एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ ताकि एक आपको आइडिया लग जाए डाउन पेमेंट कितना, सारी चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 14 फीट आपको लंबाई में मिल जाएगा। ऐसे में आपको मिल जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट, ऐसे में आपको 9 फीट लंबाई में आपका 14 फीट के आसपास मिल जाएगा ये वाला आपका लिविंग। अब टीवी कहाँ पर आएगा, टीवी आपका आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको नीचे मिल जाता है आपका पावर पॉइंट, बड़ा सा टीवी यहाँ पर आपका आ जाएगा। सोफ़ा आपका कहाँ पर आएगा, सोफ़ा आपका इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ आप एल शेप में आप सोफ़ा रख सकते हो, जस्ट मैं आपको बता रहा, बाकी आपके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। लाइट और फैन के लिए यहाँ पर आपको पावर पॉइंट मिल जाता है, वायरिंग हमने यूज़ किया है पॉलीकेप का वायर। इस तरफ अगर आप आओगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक छोटा सा एक कपाट मिल जाएगा आपको, ये भी आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा फ्लैट का ऑल इंक्लूसिव प्राइस में। इस तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका बालकनी। ये है दोस्तों आपका बालकनी, साइज आप देख लीजिए 2 फीट का आसपास ऐसे, और लंबाई में आपका रहेगा आपका 9 फीट का आसपास का आपका रहेगा लंबाई में आपका बालकनी। और बाहर का व्यू अगर आप देखोगे तो बाहर आपको मिल जाता है यहाँ पर G+4 G+3 का ब्यूटीफुल सा व्यू।
कुछ इस तरीके का देख लीजिए। आसपास में काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है सिटी। आज के तारीख में अगर आपको कम बजट में छोटा कीमत पे एक प्रॉपर्टी चाहिए, ईएमआई भी कम आना चाहिए, नियर बाय स्टेशन होना चाहिए, तो आप इस वाले प्रॉपर्टी पे आ जाइए। इस तरफ अगर आप आओगे तो इस तरफ आपको मिल जाएगा आपका किचन। ये है दोस्तों आपका किचन, 425 स्क्वायर फीट का है, तो फिर आपका किचन भी बड़ा होना चाहिए। तो साइज़ आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाता है 1, 2, 3 यानी कि 6 फीट 7 फीट लंबाई में आपको 7 फीट मिल जाएगा। ऐसे में आपको मिल जाएगा 1, 2, 3 यानी कि 6 फीट 7 फीट, तो मान के चलिए 7 बाय 7.5 का आसपास का आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपका किचन, फ्रिज रख के भी आपको काफ़ी सारे स्पेस यूज़ करने के लिए मिल जाएगा। इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ब्लैक मार्बल का ये प्लेटफॉर्म है, स्टेनलेस स्टील का आपको सिंक है, पानी चौबीस घंटा यहाँ पर आपको पीने का पानी मिल जाएगा। फ्रंट वॉल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पूरा आपको टाइल्स लगा कर दे दिए गए हैं। यहाँ पर एक आपको पावर पॉइंट मिक्सर के लिए आप यूज़ कर सकते हो, एक्वा के लिए यहाँ पर आपको पावर पॉइंट मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए इस तरफ आपको मिल जाएगा विंडो, बालकनी में हम बाद में जाएंगे, सबसे पहले तो आप बाथरूम को देख लीजिए। बड़ा सा आपको मिल जाएगा एक आपका बाथरूम, जितने बड़ा आपका किचन है उससे बड़ा ही आपका बाथरूम रहेगा। ये है आपका बाथरूम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 7.5 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका रहेगा बाथरूम। और ऐसे में आपको मिल जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 फीट 6.5 फीट ऐसे में आपको 6.5 फीट ऐसे में आपको 7, 7.5 फीट का आसपास मिल जाएगा ये वाला आपका बाथरूम। ऊपर अगर आप देखोगे तो वाटर टैंक के लिए आपको यहाँ पर जगह मिल जाता है। खैर यहाँ पर वाटर टैंक लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 24 आवर्स पानी है। अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो एक 300 लीटर का आप टैंक रख सकते हो। इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वेस्टर्न आपको लगा कर दे दिए गए हैं और इस तरफ आपका बाथ टब। ऐसे किसी भी फ्लैट में आपने नहीं देखा रहेगा ऐसे बट टब वाला सिस्टम, लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका बट टब। दोनों तरफ आपको यहाँ पर विंडो मिल जाता है, इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर एक आपको विंडो मिल जाएगा और इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा आपका विंडो। और यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका जो सूर्य कंपनी का एक आपको गीजर यहाँ पर लगाकर आपको दिए गए, तो इसका भी आपको चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। इस तरफ अगर आप देखोगे तो एक आपको छोटा सा वॉश बेसिन अंदर ही मिल जाता है। इस तरफ अगर आप आओगे तो इस तरफ आपको मिल जाएगा आपका बालकनी। ये है दोस्तों आपका किचन के बाहर बालकनी, लिविंग का बाहर आपको मिल गया बालकनी, बाथरूम आपका बड़ा सा मिल गया, किचन आपका बड़ा मिल गया, लिविंग भी आपका स्पेशियस रहेगा आपका लिविंग। और इसकी अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो ये अप्रोक्स आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फीट लंबाई में, ऐसे में आपको 2 फीट के आसपास मिल जाएगा। रेलिंग लगा हुआ है, ऊपर आपको बॉक्स टाइप ग्रिल बना लेना है, कपड़ा वगैरह सुखाना है, कुछ फूल पौधे आपको लगाना है तो आप इजीली लगा सकते हो। अगर मैं ज़रूरत के सामानों की बात करूँ तो बिल्डिंग से नीचे उतरते ही आपको सारे ज़रूरी सामान मिल जाएगा। लाइक किराने का दुकान है, अगर आप रिलायंस देखेंगे तो रिलायंस स्मार्ट आपका ज्यादा से ज्यादा यहाँ से 4 से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। छोटे बच्चों के लिए स्कूल है, हॉस्पिटल है, जिम है, मार्केट है, सुपरमार्केट है, वो सारे आपका 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में आपको मिल जाएगा। किराना दुकान इस बिल्डिंग को छोड़ के 2 बिल्डिंग पास में ही आपको मिल जाएगा किराने का दुकान। और जैसे कि आपने देखा यहाँ पर तो कमर्शियल नहीं है, नीचे आपको पार्किंग दिए गए हैं, फर्स्ट फ्लोर से ये रेसिडेंशियल है। अब प्रॉपर्टी लोकेशन नियर रेलवे स्टेशन से मात्र आपका 10 से 12 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। रेडी पोजिशन OCRC प्रॉपर्टी है, काफ़ी सारे फैमिली रहने के लिए आ चुके हैं। प्राइस कितना है? प्राइस इसका 12 लाख विथ रजिस्ट्रेशन, इसका ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। डाउन पेमेंट कितना आएगा? आप 1.5 लाख 2 लाख रुपये भी दे सकते हो, अगर कम डाउन पेमेंट से 1 लाख में भी हो जाएगा। कम डाउन पेमेंट है तो आप 1 लाख में भी ले सकते हो, ज़्यादा डाउन पेमेंट है तो आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख जैसे आपके पास पेमेंट रहेगा वो हिसाब से आप दे सकते हो। EMI आपका कम निकल के आएगा, 3-4 लाख रुपये अगर आप डाउन पेमेंट देते हो इस वाले फ्लैट के लिए तो अप्रॉक्स आपका 8,000 के आसपास तक आपको EMI निकल के आएगा, 8,000-9,000 के आसपास। अगर आप कम डाउन पेमेंट देंगे तो 10,000 से 11,000 के आसपास में भी आपको EMI निकल के आ सकता है। डिपेंड करता है कि बैंक आपको कितना लोन देता है, आपको ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करते हैं। तो अगेन जिन नेरल के बारे में नहीं पता, स्पेशली उन लोगों के लिए नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट तालुका कस्बे स्टेट महाराष्ट्र में, मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपका बजट है 16 लाख 17 लाख 18 लाख का एक 1 BHK रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी चाहिए तो भी हमारे पास अवेलेबल है। जब भी आप विजिट के लिए आएंगे 4-5 प्रॉपर्टी आप देख के जा सकते हो अलग अलग लोकेशन पे। सिंगल बिल्डिंग टाउनशिप विथ एमिनिटीज़ के साथ में चाहिए, ऐसे सिंगल बिल्डिंग चाहिए तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।